हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कल का व्लॉग एंड परसों का गणपति का व्लॉग आपको कैसा लगा बताओ। आज तीसरा दिन है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग। और आज हम लोग एक गणपति का दर्शन के लिए जाने वाले, जो कि है माटुंगा में जीएसबी। 5 दिन का गणपति होता है, तो हम लोग हर साल वहाँ पर पूजा देते हैं। तो मैं और सोमया हम लोग दोनों जाने वाले, सो या लेट्स कंटिन्यू। हे गाइस, सो अभी जस्ट हम लोग माटुंगा पहुँचे, तो यहाँ से हम लोग अभी चल के जाना है। तो ऑलमोस्ट शायद से वॉकेबल डिस्टेंस ही है, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ पे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से चल के, फिर एक बार पहुँचते हैं, फिर देखते हैं कैसा है। बिकॉज मैं भी फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ जीएसबी में। सो या सो मैं यहाँ पर है, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, मुंबई साइड आने का एक ही फ़ायदा है, रास्ते इतने साफ़ सुथरे रहते हैं ना यहाँ पे, देखो अमेजिंग से है रोड का। खड्डे नहीं है, बट रहेंगे कहीं ना कहीं। बट हम लोग जहाँ से जा रहे हैं अभी माटुंगा में हम लोग, तो यहाँ पे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। कभी देखते हैं, ऑलमोस्ट आई थिंक सो 750 मीटर्स दिखा रहे हैं यहाँ से, 10 मिनट का रास्ता है। चल के ही जा रहे हैं हम लोग, और ऐसा रास्ते में वहाँ पे सब भटजी लोग भी चल के जा रहे तो ऐसे फॉलो करते जा रहे हैं, और मैप में भी रेफरेंस के लिए देख रहे हैं हम लोग। Hey guys, so अभी हम लोग मैं और सोमया आए हैं, हम लोग यहाँ पे लाइन में रुके एंड काफ़ी अच्छा एक्चुअली ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पे। और यहाँ पे गनों में सब चल रहा है, और वो जो है वो तुला भर का है, जो वेट के हिसाब से सब लोग जो रखते हैं ना, चावल देते हैं या फिर कुछ भी मतलब रहता है, दान करने का रहता है वो। और सामने जो है जीएसबी का गणपति है, तो तुला भर के इसके लिए यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ पे टोकन नंबर आता है, टोकन लेना पड़ता है, फिर उसके बाद उन लोग को वहाँ पर जाना पड़ता है। यहाँ पर सब चल रहा है, यहाँ पर गनों में चल रहा है, गए। सो अभी हम लोग बाहर निकले, अभी वापस जा रहे हैं हम लोग माटुंगा स्टेशन, फिर वहाँ से घर जाएंगे। तो उससे पहला सोमे को थोड़ा फूल एंड ऑल लेने का है, बिकॉज घर पे गणपति भी है, फिर अपने घर पे भी थोड़ा बहुत फूल लेने का है फ्राइडे करके, कल फ्राइडे करके। तो या तो दर्शन तो हमारा काफ़ी अच्छा हुआ। एक चीज़ था, गणपति को जितना टाइम नहीं लगा मतलब दर्शन के लिए, उससे ज़्यादा नाश्ते के लाइन के लिए ज़्यादा टाइम लगा था हम लोग को, तो वो एक ज़रा ऑड लगा हम लोग को। पहला गणपति को छोड़ दो और पेट पूज जाते हैं। हाँ, वैसे कुछ था सीन उस गणपति का, कितना मेरे ख्याल से आधा घंटा भी नहीं लगा मेरे ख्याल से। वो आरती था करके हम लोग को थोड़ा टाइम लगा, मतलब भूख खाया था मे बी, आई एम नॉट श्योर। नहीं, आरती का कुछ नहीं था, वो शायद से क्या बोलता है, एक सर्टेन लोगों को जितना चाहिए उतना ही लोगों को छोड़ रहे थे, फिर रुका रहे थे। प्रॉपर ऑर्गेनाइज का मे बी 5 दिन का वैसे भी वो 5 दिन का ही गणपति है, तो मे बी कुछ अलग रहेगा उनका सीन। बट उससे ज़्यादा जो ये था लाइन था, वो अपना नाश्ते के लाइन में था, बिकॉज नाश्ते का ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 8:15-8:30 के आसपास चालू हो गया था मिलने का। तो पब्लिक फुल वहाँ पे गर्दी कर दी थी, और गणपति यहाँ पे गर्दी नहीं था,
तो मैंने वही सोमना को बोला, कह रही ये तो गणपति का जल्दी हो गया, नाश्ते का लाइन को ज़्यादा टाइम लग रहा है। अभी कितना बज रहा है? अभी 8:52 हो रहा है, ऑलमोस्ट 9 बजने आ रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस, तो काफ़ी जल्दी हो गया एक्चुअली दर्शन। सो या 5 days में कभी खुद गया और एक्सपीरियंस, और ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है GSB का, पहली बार आ रहा हूँ मैं। नेक्स्ट टाइम तुम लोग आओ और हम लोग कमेंट, हाँ कमेंट में बताओ आप लोगों का एक्सपीरियंस, बताओ GSB का। पूरा ये मार्केट है हार का, पूरा फूल का मार्केट है ना ये, हम लोग ने भी फूल लिया है। तो माटुंगा में एक्चुअली काफी सस्ते में मिलता है फूल, पूरा मार्केट ऐसा है यहाँ पे। नहीं एक क्लास जैसे लग रहा है ना थोड़ा, क्या ये मतलब बड़ा अपना नहीं है? हाँ बढ़िया है। तो गाइस अभी हम लोग ढोंगली आ गए, अभी थोड़ा बहुत सामान लेने का है, बाकी अपना दर्शन विर्शन तो हो गया अभी। एंड ट्रेन में भी गर्दी नहीं था कुछ, आराम से मतलब स्लो ट्रेन में आ गए, तो अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान लेंगे फिर घर जाएंगे। हे गाइस, सो अभी जस्ट घर पहुँच चुका हूँ एंड सामान सब ले लिया था। सो मैं लेके गई है घर पे अभी, एंड अभी तो आज तो वही अपना रेगुलर जो रूटीन है, जाएंगे अभी सुबह का जो आरती था सौम्या के घर का उसके मॉम और डैड ने किया, एंड अभी शाम का आरती में मैं जाऊंगा मोस्ट प्रॉब्ली। उसके अलावा गाइस बाकी तो कुछ नहीं है, आप बताओ आपको ये छोटा सा जो ब्लॉग है वो कैसा लगा, अगर आपको पसंद आ रहेगा तो डेफिनेटली लाइक शेयर और कमेंट करना, नए हो सब्सक्राइब करो, एंड मोस्ट प्रॉब्ली शायद से आज भी शाम को बारिश हो सकती है, कल खतरनाक वाला बारिश हो रहा था, बिजली गिर रहा था, आज भी मोस्ट प्रॉब्ली होगा शायद से, क्या पता, लेट्स सी। सो एनीवेज गाइस, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस ब्लॉग, सी यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, बाय।